सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तुहाडा स्वागत है जी अज दे न्यू ब्लॉग विच। अज आपां बहुत वधिया भैणां लई नुस्खा लैके आए हां, क्योंकि जिहड़ियां साडियां दालां ने असीं इकट्ठियां मंगा लैंदे हां। हर घर दा ही कहिंदे हुंदे ने कम है वी दालां आपां दो दो तिन तिन किलो इकट्ठियां मंगा के रख लैंदे हां। जिहड़ियां उह दालां है जदों सब्जियां वाला सीजन आ जाता है, जिकण हुण अपना सलगमां गाजरां वगैरह आ जाणियां, उत्थे थोड़ी जिही दालां दी आ के खपत घट जांदी है। दुकानां 'च तां कट्ठियां दालां क्वांटल क्वांटल भी पईआं हुंदीआं, उहनां नूं कैमिकल ला के रख्या हुंदा जी। जदों अपने घर आ गई दाल उही आपां 2 किलो लियाए 3 किलो लियाए, फिर उह उत्थों वख हो जांदी है। आपां ने कई वार घरां 'च इह देखिआ वी दाल नूं ढोरा लग जांदा, ठीक है जी, सुसरी जी पै जाती है उहदे विच, क्योंकि अपनियां दालां इन्नियां महंगीआं ने, फिर उह खराब हो जांदीआं ने। जदों सब्जियां दा सीजन आ जांदा फिर थोड़ी जी दाल बनाउण दी अपने घरां 'च खपत घट जांदी है। आपां ने इन्हां दालां दी सांभ संभाल किवें करनी है अज मैं तुहानूं इह दस्सण लगी हाँ, क्योंकि 1 साल तो मैं इह नुस्खा वरत रही हाँ दालां ते। मैं कहा वी अज भैणां नाल भी सांझा करां। तुसीं इसनूं नुस्खा कह लो भावें फार्मूला कह लो, मैं इह फार्मूला 1 साल तो अपनियां दालां ते वरत रही हाँ। मैं कहा वी अज आपां भैणां नाल इह फार्मूला सांझा करदे हाँ, क्योंकि हुण तुसीं दालां जदों आपां धोने आ दालां चों बहुत ज़्यादा एक तरह की स्मैल भी आउंदी हुंदी आ, नंबर 2 ते सानूं कई पाणी कढ़ने पैंदे ने, नंबर 3 ते जिथे महाराज की कृपा ना बड़े परिवार ने वो घर भी लिया के दालों में वट्टी ला लेंगे ने, ठीक है जी, जिथे 5-5, 7-7 किलो दालां चकनी है आपां ने। जिवें हुण छोटा परिवार है साडा, असीं 3 किलो दाल भी लियाने, 4 किलो दाल भी लियाने, 2 किलो भी लियाई दी है, जिहड़ी दाल तो अपना कई बार दिल लग जांदा आपां कह दिंदे थोड़ी ले आयो, ठीक है जी। इन्हां दी सांभ संभाल लई मैं तुहानूं अज दस्सण लगी हाँ, बहुत सौखा तरीका है, बहुत सस्ता तरीका है। मैं क्या चलो मैं ये चीज़ अपना रही हूँ, मैं भैणां नाल भी सांझी कर ला। ये चीज़ा सब अपने किचन दियाँ ही ने, कोई बड़ी गल नहीं हैगी। ये अपनियां दालां जी आ साबत मसरी पई है, मैं थोड़ी थोड़ियां पा के लियाई थी गी, साबत मसरी पई है ते राजमाह ने ते काले चने ने। आपां ने लैणा जी सरों का तेल। सरों का तेल लैके जिदा हुण आपां ने तुहाडियां दालां वध ने उहनां नूं तुसीं परात च पा लो। परात च पा के हुण मैं तुहानूं दस्सदी आं बई 1 चमच आपां ने लैणा। हुण जिकण मेरे इह दालां मैं थोड़ी थोड़ी पा के लियाई आं तुहानूं समझाउण लई, उह आपां ने हत्थ ते 1 चमचा तेल दा पा लिया, ठीक है जी, बहुता नहीं, मैं इन्नी क दाल लई 1 चमचा तेल दा पा लिया। उहनूं चंगी तरह हत्थां नूं मल लैणा, ठीक है जी। उदों बाद तुसीं चंगी तरह इदां दालां नूं जिद्दां कहिंदे आ मसाज कर देनी आ, दालां नूं चंगी तरह मसाज कर देनी आ, करके सारा तेल है जिहड़ा अपनी दालां नूं लग जावे, ठीक है जी। कोई भी बी है जिहड़ा इहनां तों बांझा ना रहि जावे तेल तों, फिर तुहानूं पता वी उहनूं इह सांभ लैणा ढोरे नूं। तुसीं घरां 'च देखिआ वी होऊगा इह हुंदा अपने नाल, चंगी तरह मल देनियां ने इह दालां। हुण देखो ऐन सारे राजमाहां नूं तेल लग गया। इस दाल नूं तुसीं राजमाह नूं 1 साल लई सांभ के रख सकदे हो बगैर किसे कैमिकल लाए। सरों दा तेल है, घर दा तेल है, नैचुरल तेल है। हुण तुहानूं मैं दिखाउनी आ, इह हैगी है जी मेरी साबत मसरी। यह हैगी है जी अपनी साबत मसरी। पहला भी मेरे हाथ तेल नाल चंगी तरह लिबड़े हुए ने। इहनूं इदां तुसीं ऐन चंगी तरह दाल नूं सारी नूं ऐ तेल ला लेना। देखो जमा ही सस्ता वो है, कोई आए नहीं हैगा, जमा ही देख लो जी सौखा तरीका है, क्योंकि मैं ये तरीका वरत रही हाँ तां मैं तुहाडे नाल सांझा कीता। ते आ देख लो तुहाडियां दालां नाल ऐन चमक गईआं। उस टाइम आपां ने जदों इह बनाउणियां ने कोसे पाणी च धो लिओ।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਾਲੇ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਲਾਂ ਐਨ ਕਰਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਾਲਾਂ ਐਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਸਵਾਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਸੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋ ਲਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ